बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं खुदाइदास बलोच, आज का व्लॉग है जनाब। तो आज सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। सुबह जब उठा तो सबसे पहले हम लोगों ने तैयारी किया ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। आई नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान गए दुआ के लिए। आई नमाज पढ़ने के लिए हैं हम यहाँ जामा इस्लामिया मुफ्ताउल उलूम, जिसके बानी अर्जत शेख मौलाना अब्दुल बाकी साहिब है। ये सामने मदरसा है और इसके साथ कोयटा का कदीम और बहुत बड़ा कब्रिस्तान, जो कि हमारे मोहल्ले के करीब है। हमारे जितने भी अजीज और रिश्तेदार हैं वो सारे इस कब्रिस्तान में तदफीन है। तो दुआ फातिहा के लिए काफ़ी रश था, तो यहाँ दुआ फातिहा करने के बाद अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से ईद मिलने के लिए आए। बजे के टाइम हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं सदाबहार डायो कोच सर्विस। तो आज यहाँ बिल्कुल जो सर्विस है बिल्कुल डाउन है, कोई सवारी नहीं है, पैसेंजर नहीं है इस वजह से। तो आज हम आपको यहाँ मिलाते हैं यहाँ के ओनर अलहाज मीर फिरोज़ ख़ान लड़ी, उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें। चूँकि आज ईद का दिन है और यहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं आए, देखे बिल्कुल टर्मिनल खाली है, और जिसकी बड़ी वजह है वो ईद है, और जिनको ईद के लिए अपने घरों में जाना हुआ वो जा चुके। तो हम लोग यहाँ आए हैं, अभी देखते हैं अगर कोई पैसेंजर आता है या नहीं आता है। और ये मोहम्मद अमीन जो कि मेरे साथ है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। हम आपको सदाबहार टर्मिनल सरयाब रोड का विजिट भी कराएंगे और उसके साथ उसका ऑनर अलहाज मीर फिरोज़ ख़ान लहड़ी वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करें और वीडियो मुकम्मल देखें।